हेलो दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हमारी ग्लास वर्किंग की टीम पहुँच चुकी है कर्नाटका। दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं कर्नाटका के विजयपारा ज़िले में है, बेनाई गांव में है दोस्तों। तो यहाँ हम अब ग्लास का काम चालू करेंगे। और चालू करने के पहले दोस्तों, सबसे ज़्यादा सावधानी, ये जो पुरानी टाइलें लगी हुई है, हम पहले इन टाइलों को निकलवाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो टाइल के ऊपर ही ग्लास लगा देते हैं, मगर मेरे नज़र में वो सही नहीं है दोस्तों। ग्लास गिर भी सकते हैं उसमें, और एयर्स आती है, बॉन्डिंग नहीं हो पाती है ग्लास की। तो बेहतर यही होगा कि यदि ग्लास वर्क करना है तो टाइलें सारी निकाल दी जाए। तो पहले हम ये सारी टाइलें निकलवाएंगे, और ये टाइलें निकलने के बाद हम इसके ऊपर ग्लास लगाने का काम शुरू करेंगे। तो हमारे बहादुर सिंह जी गए हैं यहाँ पर ग्लास वर्क करने, और आप जैसे पिछले वीडियो में भी देख सक चुके हैं, बहादुर सिंह जी बहुत बढ़िया कारीगर हैं। तो इनके और मेरे दोनों के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो जिनको भी कांच का कोई भी काम करवाना हो, चाहे मंदिर हो, फिल्म सिटी हो, या थिएटर हो, या हॉल हो, या गुरुद्वारा हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब सारा काम आपका हो जाएगा। भारत के किसी भी कोने में हम जाकर ये वर्क करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम कर्नाटक आ चुके हैं, इसके पिछले जो आप लोगों ने वीडियो देखे वो सब नेपाल वाली साइड के थे दोस्तों। तो नेपाल से हमारी गाड़ी कर्नाटक पहुंच गई है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं बहादुर सिंह जी के पास, वो की कांच की कटिंग कर रहे हैं। और इनकी योजना ये है कि उधर टाइल निकले जब तक मैं सारी कटिंग कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे लगाते समय ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अच्छी सोच है दोस्तों। ये उधर टाइल निकालने का काम चल रहा है, इधर ये कटिंग का काम कर रहे हैं। तो ये सारी रीपे जो है, ये सारी रीप काट रहे हैं ये बॉर्डर बनाने के लिए। और उसके बाद इसके अंदर जो शकर पारे लगेंगे वो भी इन्होंने कुछ तो काटे हैं, और कुछ आपको काटते हुए हम बताएंगे। तो दोस्तों, उसमें गौर करना है उस ठीहे को, जिस ठीहे पर रख कर ये कांच काटे जाते हैं, उस ठीहे पर आप गौर कीजिएगा। और बहुत ही शानदार ठिया बनता है, और सारे कांच बिल्कुल अपने बराबर गुनिया में बनते हैं, ताकि सही साथ बैठ के जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये देखिए, ये कलर वाली रीपे काटी इन्होंने, ये मिरर कांच की रीप काटी है, और ये मिरर के शकर पारे हैं, और प्लस ये कलर के शकर पारे हैं। और ये देखिए, सारा यहाँ इनका सिस्टम है ये काटने का। और जल्दी ही दोस्तों, इसकी जो लगाने की वीडियो भी आप लोगों के सामने आएगी। तो ये दोस्तों ठिया देखिए आप, ये बहादुर सिंह जी ने ठिया बना रखा है, ठिए के द्वारा ये सारी चीज़ें काटते हैं। तुम्हारा पकड़ने का तो बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अभी तो ये देखो, छोटा सा फरमा है, इस फरमे के द्वारा इनकी सारी डिजाइनें कट रही है। और ये जो फरमे के नीचे रखा है ये ठिया है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों की मदद से। और कुछ रीप तीन चीज़ों से ही सारी डिजाइनें बन जाती है, और एक से एक बेस्ट डिजाइनें बनती है, जैसा आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये देखिए, ये चारों तरफ कांच जमा कर एक वीडियो तैयार करें, एक डिजाइन। तो देखिए, इन्होंने चौरस एक डायमंड बनाया है, इसके बीच में लाल कलर का एक नग लगा देंगे, बड़ी प्यारी डिजाइन लगेगी। ये देखिए, ये सारी दीवारों पर लगेगी। तो पहले सारी डिजाइनें नीचे तैयार कर लेते हैं बना के, जिस प्रकार से भी बनाना हो, जैसा कि ये बनाए जा रहे हैं। अभी आठ पहलू के फूल है, दो तीन तरह के फूल इन्होंने बना रखे हैं, और ये सारा सामान काट रखा है। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम इन कांचों को लगते हुए और इनकी डिजाइनें बनते हुए देखेंगे। और उन सारे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों सब्सक्राइब करने का, बिल्कुल फ्री आप चार्ज सब्सक्राइब होता है। और उससे आप लोगों का बेनिफिट ये होता है कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाती है, और हम लोगों का भी आपके कमेंट्स और आपके द्वारा किए गए लाइक से हौसला बढ़ता है, और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर, और इन कांच को लगाते हुए देखने के लिए भी आप वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।